सामने से एक दो कदम आठ कदम जाने के बाद बॉक्सर को शेषु महाराज पंडित विद्वान को एक लाख रुपए देते हैं, जरा नाचो बोलो तो कभी नहीं आते हैं। और यहाँ जिस आनंद को उन्होंने बांट किया है, अपने आप को भूल करके मैं क्या हूँ ये भूल गए हैं, गुरुमय हो गए हैं, इसलिए उनके शरीर में उत्कीर्तन आ गई है, उनके आ गया। ऐसा ही ऐसे राव उनके ऊपर हो, वो भाव उनके ऊपर आए। आज हमारी इस कलयुग परंपरा में इसके एक को घट करेंगे, उससे पहले गुरु मंत्र की दीक्षा सब लोग अंदर जुड़ी चाहिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहें, स्वामी स्वामी श्री श्री सच्चिदानंद सच्चिदानंद सद्गुरु सद्गुरु प्रियम प्रियम श्री श्री निखिलेश्वरानंद निखिलेश्वरानंद स्वामी स्वामी मम मम सद्गुरु सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वर महेश्वर गुरुसाक्षात् गुरुसाक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरवे नमः गुरवे नमः। आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड सर्कल रख लो, राइट हैंड सर्कल रखो, मैं गुरु मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो ओम ओम परम तत्वाय परम तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः नमः। ओम ओम परम तत्वाय परम तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः नमः। ओम ओम परम तत्वाय परम तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीम ओम नमः। गुरु मंत्र बोल रहा हूँ, गुरु गुरु गायत्री बोल रहा हूँ, ओम गुरु देवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। पूरा ग्रुप हो, भूम के पूर्ण ग्रुप हो, और
वाशी का ग्रुप हो, नागपुर का ग्रुप हो, मैं आवाज नहीं देता या हैदराबाद के कुछ मेरे साथ है, मुझे कहना नहीं पड़ता कि गुरु पूर्णिमा है। वो अपने आप से आकर कहते हैं कि गुरु जी गुरु पूर्णिमा में हमारा का विचार है। और मेरे कहने से पहले गुरु पूर्णिमा का साहित्य हैदराबाद के लिए गुरु जी गाड़ी रेलवे साहित्य आ रहा है। अब इससे बढ़कर मेरे भाग्य की क्या बात है कि ये रसीद काट भी नहीं पड़ी, क्योंकि रसीद का मैं गुरु के लिए शिष्य के लिए काटता हूँ, शिष्य गुरु के लिए काटता है, हम रसीद से भी ऊपर है, क्योंकि रसीद उन्हीं को दी जाती है जिसकी छोटी सामग्री होती है। ये रसीद कटती नहीं, ये सामग्री जिसका वैल्यू जिसकी ये नहीं होती। मैं उन सभी शिष्यों को पुनः आशीर्वाद देता हुआ जो मेरे हैं, चाहे दूर हो या नजदीक हो, चाहे उन्हें गुरु कार्य किया हो ना किया हो, लेकिन गुरु जाकर मेरे पहने में मेरे गुरु को जानते हैं, चाहते हैं वो मेरे हैं। मैं सभी के लिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें देख रहा हूँ, आप दूर हो या नजदीक हो, ये मेरा कर्तव्य है। जिसने गुरु चादर पहनी, गुरु मंत्र जप किया, मेरे गुरु जी के परिवार के लोग हैं और मैं उस पर। आप बीमार हुए, आप अच्छाई हुए बुराई हुए, आपकी एक फोन के कॉल पर मैं ये देखता हूँ कि आपके जीवन में क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ आपका फोन मुझसे पहुंच गया, फोन पहुंचने से पहले ही मैं ये चिंता में रहता हूँ कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। मैं सारे साधकों को पुनः आशीर्वाद देता हुआ आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह केक जिनमें सारे सिद्धाश्रमों और आपके प्रेम का मिठास है उसे काट कर आपको अब तक पहुंचा रहा हूं, आज वही कार्य कर रहा हूं। एक केक अभी कटेगा। बोलो बोलो पूर्णिमा से बोलो भगवान की जय। शिवानी, नागिनी, माहेश्वरी, कविता और श्रीराम और राकेश, ये सब लोग स्टेज पर आ जाए, जिनका नाम दिया जहां कहीं भी हो इनको बुला लें, स्टेज पर आ जाए अर्जन 10 मिनट में, क्योंकि इन लोगों को हम नहीं मेंटेन कर सकते। ये मेंटेन करते हुए 6:30 बजे मुझे रिपोर्ट करना है कि सारे साधक हो गए। पुरुषों की जगह मैंने जिनका नाम लिया है और पुरुषों के पास रहेंगे, और स्त्रियां जिनका नाम लिया है और स्त्री के दशमांग विद्याओं के मंदिर में जो पंचमुखी आसन है वहां रहेंगे। वहां एक आश्रम वासियों का पंच पंचमुखी आसन के गोले नित्य घूमते रहते हैं, और सिद्धाश्रम के योगी जब उनके उसमें आकर बैठते हैं इनको पता नहीं चला कि वहां योगी आके बैठे, क्योंकि ताला डाल के रखा हूं। ये लोगों को पता भी है कि पंचमुखी आसन पर कोई आके जा रहा है नहीं जा रहा है, कबूतर छोड़े हुए। इनका कर्तव्य, इनके एक साल की प्रदक्षिणा का जो फायदा है, जो लाभ हुआ है पंचमुखी आसन के, इसमें अभी हमारे सुधीर को नींद आ रही है, मोहन सेठ को या पल्ली भी किसी को भी, सो जाए या ना सो जाए मुझे इसका पता नहीं। कल सुबह 3 बजे मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ वो पंचमुखी आसन पर पहुंच जाए। इनको एक कतार करते हुए मैं हर एक पंचमुखी आसन के पास एक बेल रखी जाएगी। एक साधक 1 मिनट से ज्यादा अंदर नहीं रहेगा, वो चाहे मंत्र पढ़े। वहां सिचुएशन ये है कि जो मंत्र मैंने सिद्धाश्रम का बोला है वो आसन पर बैठेगा, मंत्र एक बार बोलेगा और पंचमुखी आसन को अपनी इच्छा बोलने पे उठ जाएगा, ये उसका काम है। इतने लोगों को संभालना है, आपके पेशेंस की जरूरी है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। पूर्ण पंचमुखी आसन के अट्राफ कतार बनाते हुए लाइन बना दो अगर वो आते हैं, और पंचमुखी आसन पर इन लोगों को भेज दो। जिन पुरुषों के मैंने नाम लिए हैं वो दो यहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है, उसके पीछे डॉक्टर शर्मा जी सबसे सीनियर है,
वो कतार मरवाएंगे और सभी को इस पंचमंडी आसन पर बैठने की 6:30 बजे तक, 3 से 6:30 बजे तक आपको इस चीज को मेंटेन करना है। आप जिनका मैंने नाम लिया अभी सो जाओ या कुछ भी करो, मुझे किसी भी हालत में 2:30 बजे आप पंचमंडी आसन में सब क्लीन करके, पंचमंडी आसन क्लीन करके एक दिया और अगरबत्ती वहां निरंतर जलता रहे और एक एक साधक वहां आकर पंचमंडी आसन पर बैठ कर जाएगा। इसके लिए मेरे आश्रम वासी ही इसे मेंटेन करें। मैं चाहे तो वासर के ग्रुप को या औरत को दे सकता हूँ, मैं ये अगली बात का केवल मेरे आश्रम के लोग ही ये काम करेंगे। और तब सुबह जितनी स्त्रियों के नाम लिया हूँ वो दशमा विद्या के पास बैठेंगे और जितनी स्त्रियाँ दशमा विद्या के उस ग्रुप में पंचमंडी आसन पर बैठने के लिए जाएगी, आपको इनके कतार बनाना है, उनको उस पंचमंडी आसन पर बिठाना है और आगे की तरफ चलाना है। सब कार्यक्रम 6:30 बजे तक होगा। 6:30 बजे के बाद वो चाय काफी जो भी लेना लेंगे और 8 बजे होम कुंड के पास आ जाएंगे। हवन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद पूर्ण आहुति होगी, उसके बाद शक्तिपात दीक्षा होगी और आपको पूर्ण सिद्धियों के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, मेरी प्रभुज सद्गुरुदेव की शक्ति के साथ यहाँ से आपके गाँव को रवाना कर दूंगा आपकी सारी शंका समाधान को लेते हुए। आप सब लोग जिन आश्रमवासियों को यहाँ देख रहे हैं, स्त्रियां जितनी भी है वो लोग दशमा विद्या में जो पंचमुंडी आसन है वहां चले जाए, उनका मार्गदर्शन, जो कि स्त्रियां होकर भी स्त्रियां नहीं सुनती इसलिए उनके साथ दो ऐसे पुरुषों को दे रहा हूं जो इनको कंट्रोल कर सके, वो है श्रीरंग और राकेश। बाकी इधर सब जितने भी लोग हैं सारे पुरुष यहाँ अत्रि महामुनि के पीछे जो पंचमुंडी आसन दो लगे हुए वहां है उसको साफ करें, क्लीन करके रख दे। अब सारी स्त्रियां यहाँ 2:30 बजे तक आप पंचमंडी आसन के पास पहुंचना चाहिए। जिन्होंने भी, और एक बात याद रखें, जिन्होंने जैसा वस्त्र पहना है आपके पास स्टैंप के पैड भी दिए हैं, स्टैंप के पैड भी दिए गए हैं। पर्टिकुलरली नाग और स्टार का चिन्ह उसमें जाने वाले साधक के वस्त्र के ऊपर होना चाहिए, उसका पैड यहाँ रखा हुआ है और जब भी जाए आपको यंत्र बताए, मंत्र बोले तभी आसन पर बैठने की आज्ञा दें, या इधर उधर हो जाता है तो फिर उनको भी तकलीफ होगी आपको भी। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, आप जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा पूर्ण होगी। निरंतर सिद्धाश्रम जाने की पहली सीढ़ी का पहला कार्यक्रम होगा और आपको ये करना है। वस्त्र है पीला वस्त्र और सफेद वस्त्र आप पहनकर सिद्धाश्रम के मंत्र को बोलने के बाद, एक बार केवल मंत्र बोलना है और एक आपकी एक हो दो इच्छा हो एक मिनट में बोल देना है। बाहर एक घंटी लटकाई जाएगी, साधक समय देखेगा एक मिनट में उठा लेगा। इतने लोग एक मिनट भी ज्यादा होता है क्योंकि इतने लोगों को हम नहीं मेंटेन कर सकते। ये मेंटेन करते हुए 6:30 बजे मुझे रिपोर्ट करना है कि सारे साधक हो गए। पुरुषों की जगह मैंने जिनका नाम लिया है वो लोग पुरुषों के पास रहेंगे और स्त्रियां जिनका नाम लिया है वो स्त्री के दशमा विद्या के मंदिर में जो पंचमंडी आसन है वहां रहेंगे। वहां एक दिया, अखंड दिया और अगरबत्ती निरंतर या धूप निरंतर जलेगा, तीनों भी पंचमंडी आसन पर। इस बात का ध्यान रहे कि जिन्होंने ये साधना की है उनको सिद्धाश्रम का दर्शन होगा, सिद्धाश्रम की योगी या सिद्धाश्रम के पीछे। एक दूसरे वर्ष आप अगले वर्ष जब आएंगे तब मैं इसी पंचमंडी आसन पर आपको दस महाविद्या में से कोई एक महाविद्या का दर्शन करवाऊंगा जिन्होंने इस वर्ष में 115 पूर्ण किया है इसी पंचमंडी आसन पर। आप इस बात का ध्यान रखते हुए सिद्धाश्रम योगियों को अपनी ओर पूछते हुए प्रार्थना करते हुए कि आप हमें मार्गदर्शन करें साधनाओं में यह कार्य करें। मैं आप सभी को यह कार्यक्रम दे रहा हूं। डॉक्टर शर्मा जी और श्रीराम मेरे से फिर साथ आए सत्यम गर्व बड़े आप तीनों भी आ जाओ। पुरुष जाना है उनको ये नाग और स्टार का स्टैंप लगाना है, एक स्टैंप आप लगाओ उनके वस्त्र के ऊपर, प्यार दे दिया जाएगा। स्त्री पद्मजाड़ी ले लो और उनके वस्त्र पर ये स्टैंप लगाना है, स्त्री रंग आप साथ में रहें। वो घंटियां ले लो तीनों भी, तीनों महाविद्याओं के लिए तीनों पंचमंडी आसन पर वो घंटी लगाना है और वो लोगों को जैसे ही वो अंदर गए इधर से उधर निकलने से पहले घंटी को मारना। स्त्रियों के लिए स्त्रियां आनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह क्या प्रक्रिया है, यह तंत्र की वह प्रक्रिया है जो आप नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, समझने के लिए देर लगे। आपके ऊपर राज मुद्रा स्टैंप क्यों मारा है आगे गुरु पूर्णिमा को बताऊंगा कि आप कितने सिद्ध है क्यों स्टैंप मारना पड़ता है।
बिना स्टाम्प के रजिस्ट्री नहीं होती है और बिना स्टाम्प के पैसा नहीं दिया जाता, नसीब दी जाती है। हर जगह स्टाम्प है, चाहे बालाजी वेंकटेश्वर की हो, उन्होंने भी नागर के सामने स्टाम्प मार के बाकी की है और बाकी फेर रहे हैं। तो देवताओं की चलता है, सिद्धार्थ में पहुंच गया, पुजारी बन के नहीं जा, पूजा कर ले तो पैसे मिलेंगे। पूजा करने से पैसे किस लिए मिलते हैं? ऐसा नाम भी छोटे बच्चा होने के कारण पूछा। नहीं बेटा, महाराजी महारानी की जरूरत खाना देगी, रहने के लिए व्यवस्था करनी है और पैसे भी देगी। माँ उस पैसों से क्या करना चाहिए, उनका प्रश्न था। उपली तुझे कुछ करना नहीं चाहिए, पैसे माँ वही रख देना चाहिए, क्योंकि उसके हर एक प्रश्न का उत्तर देती गई तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। उसने कहा माँ, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि माँ पूजा क्या होती है, पूजा क्या होती है? माता को प्रश्न पड़ा, उस 8 साल के 8 वर्ष के बालक को पूजा के लिए क्या समझाए, क्या कहे? केवल ब्राह्मण था, अंग्रेजों का जमाना था, कोई पूजा करके रह टिकने वाला आदमी नहीं था। रामकृष्ण परमहंस को बुला गया तो बहुत पूछने पर माता ने एक बात कहा, बेटा एक माँ अगर तेरे सामने बैठी हुई है, एक बेटी तेरे सामने बैठी हुई है, तो उसे सुबह के शाम तक वो क्या काम करती है? माँ काली ने माता के पूछने पर, माँ वो रोती है, खाना खाती है, उसे कपड़े पहनाना होता है, स्नान करना कराना होता है, उसको तिलक लगाना होता है, तो ये कब कब करते हैं? मैं रोज देखता हूँ तू करती है ना। तो कहा कि तू वहाँ जो महाकाली बैठी हुई है ना, उसे मूर्ति नहीं समझना बेटा, एक ऐसे ही घर की वस्तु समझना, उसके खाने का ध्यान रखना, कपड़े पहनने का ध्यान रखना, तिलक रखना, और एक ऐसी मूर्ति बैठी हुई है जो इतना सेवा करेगा, कितने एक घर में तेरी माँ बैठी हुई है और उसकी सहायता बूढ़ी माँ हो या अशक्त माँ हो या पत्थर रूपी माँ हो बैठी हुई है, तो उसकी उसको जो नित्य खाने में दिया जाता है, नित्य भोजन कराया जाता है, उस तरह तू बनकर, इसे ही पूजा कहते हैं। ये उनके माँ का कहना था, माँ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जब आए तो उनको काली का मंत्र वही कुछ भी मालूम था, इतना था माँ काली या काली माँ। वे आए, वो मंदिर में बैठे तो काली को देखते ही यूं ही देखते रह गए। महारानी आई, बोले ये पुजारी ये लड़का क्या है? बोला मेरी माँ ने भेजा है, पूजा करना है, क्या करेगा? समय स्नान का नहीं हुआ है, स्नान तो सुबह ही होता है, रानी माँ से कह दिया, स्नान सुबह ही होता है, 7 बजे के पहले स्नान करते हैं, उसके बाद दूध पिलाते हैं, उसके बाद फल खिलाते हैं, 11 बजे तक माँ को सुलाते हैं, 12 बजे खाना खिलाते हैं, फिर वो अपनी विश्राम देती है, फिर शाम में थोड़ी देर तक माँ खेल लेती है, फिर बाद में सो जाती है। यह क्रिया है, मेरी माँ ने मेरी समझाई हुई है, मैं यही क्रिया करूँगा। रानी माँ उसको देखकर, उसके बाल चित्तपन को देखकर कहा कि ये क्या कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगा तो करना। रामकृष्ण परमहंस को कह दिया। परमहंस दूसरे दिन से आए, झाड़ पूछ करने लगे, माता को सुबह ही नहलाते थे 7 बजे के अंदर, कपड़े निकाल कर निकाल देते थे, कपड़े अच्छी तरह पोंछ देते थे। एक दिन उनको संशय है कि माँ रोज वही मैले कपड़े पहन रही है, क्यों ना गंगा में जाकर कपड़े धो लेके आए। वो माता जी का पूरे शरीर का कपड़ा था और जैसे ही गंगा में धोए थे कपड़े अकड़ गए, छोटे हो गए। उसको लगा कि नहीं, रानी माँ कालिया तो नहीं देगी, कपड़े तो छोटे हो गए, अब माँ कैसे फिरेंगे, माँ के आंख दिखेंगे। फिर वो गए रानी माँ को, माँ माँ रोज मैले कपड़े पहन रही है, इसलिए मैं कपड़े धोने के लिए गया और वो कपड़े छोटे हो गए, अब माँ को किस तरह मैं पहनाऊँ आप ही बताओ। उनकी उस निर्मल भावना को देखकर माँ ने कहा, नहीं बेटा मैं दूसरे कपड़े देती हूँ, माँ रोज देगी क्या? ये उनका प्रश्न। तो रोज पूजा कर मैं रोज दूंगी, क्योंकि रानी थी उन्होंने कहा था। तो माँ ऐसा भी अगर मैं तेरे पास अगर कपड़े लाने के लिए आगे जाऊंगा तो माता के लिए देर हो जाएगी, तू ही किसी के हिसाब से मेरे को रात में कपड़े दे दिया कर। माँ उनकी चंचलता को पहचान की गई और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं रात में ही तुझे कपड़े दिया करूंगी। माँ नैवेद्य भी वैसा ही करना, मैं वहां तक नहीं आना रहता, फिर माँ रोती रहेगी, अब नैवेद्य भी रात में ही पहना रहा, फल हो मैं दूर सुबह ही गर्म करके पिला दूँ। यह क्रिया रामकृष्ण परमहंस की अपनी माँ के कहने पर आरंभ हो गई। रोज नहलाते थे, कपड़े बदलते थे, कुमकुम लेते थे, माँ की ओर ताकते हुए बढ़ते थे। कोई भक्त पुजारी सब आता था, सब देखता था, चढ़ावा चढ़ाता था, वो चढ़ाने को ना हाथ लगाते थे ना पैसे को हाथ लगाते थे, केवल माँ की तरफ देखते बैठते थे। और सब लोग जाके जितने भी भक्त आए, अरे क्या पुजारी बुला के बैठे हो, चढ़ावा नहीं लेता, चढ़ावा को हाथ नहीं लगाता, कुछ खाता नहीं, देता नहीं, पैसा देता नहीं, पैसा देता नहीं, न कोई आशीर्वाद देता, ऐसे पुजारी को रखी हूँ। तो माँ ने कहा बेटा ये जो लोग आते हैं उनका चढ़ावा इकट्ठा किया कर, थोड़ा तू ले, थोड़ा उनको प्रसाद के रूप में दिया कर। नहीं 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 मामा, वो मैं नहीं लूंगा,
माँ खाएगी तब ना दे रहा है मुझे, मैं लेती तू जो नैवेद्य रोज बेचती है देख तू। हाँ उन्होंने लेकर जाकर बताया एक महीने का नैवेद्य चढ़ाया वो रोज उठाकर रखते थे बाजू में। मैंने कहा मैं रोज दे रहा हूँ, माँ नहीं खा रही है तो तू क्या कर रहा है। मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि माँ नहीं खा रही थी। और इतने सूख गए थे इनको देख कर तब रामेश्वर नाम के एक अघोरी थे जो वहीं गंगा घाट पर स्मशान साधना कर रहे थे महाकाली जी। उनको जब ये पता चला कि वो सूखते हुए ये बच्चा रोज पूजा कर रहा है और माँ काली को रिझाता है कि वो खाना खाए और माँ काली नहीं खाए, उनके उस सौम्य मूर्ति को देखकर माँ काली के पास आए और रामेश्वर अघोरी ने कहा कि क्या कर रहे हो। मैं माँ काली की रोज पूजा कर रहा हूँ लेकिन क्या कहूँ आपको, माँ काली खाना खाती ही, मेरी माँ रोज खाना खाया करती थी लेकिन माँ खाना नहीं खा रही इसलिए मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ। अब मैं माँ से किस तरह दे जाऊँ, कपड़े तो बदल सकता हूँ, स्नान डाल सकता हूँ, तिलक लगा सकता हूँ लेकिन खाना वो तो मेरे बस की बात नहीं। माँ के हाथ तक निवाला मुँह तक निवाला ले जाता हूँ वो लोग खाते ही और मैं इस दुख से रोज पीड़ित हूँ। देखो इतना प्रसाद यहाँ चढ़ गया है। तो रामेश्वर जी ने कहा तू देखना चाहता है ये सब प्रसाद तेरा ये जमा किया एक महीने का माँ काली खा जाएगी, अरे ऐसा हो सकता है क्या, उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा। तो रामेश्वर जी अघोरी थे उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है बेटा तू देख तो मैं देख सकूंगा कि माँ खाना खा रही है। तो उन्होंने कहा बहुत जरूर देख सकते हैं। महा उस रामेश्वर अघोरी ने मंत्र पढ़ा और कहा कि माँ इस बच्चे को अगर ये माँ रूप से तुझे पूछता है तो तू ये प्रसाद उसके सामने ग्रहण करेगी और उसकी धर्मनिष्ठा को श्रेष्ठता करेगी। मैं इसमें आने वाला कल देख रहा हूँ जो तेरा भक्त संसार भर में प्रसिद्ध होगा, मेरी अघोर वृत्ति से तो अगर प्रसन्न है तो आज ये खाना खाए। रामकृष्ण परमहंस हाथ जोड़े खड़े थे बैठे हुए थे। अघोरी ने मंत्र पढ़ा और देखते क्या है देखते देखते क्या है एक ऐसे स्मशान से बदबू आई जिससे एकदम भीन आ रही थी, हड्डियों का बांस आ रहा था। चलते हुए एक छोटी सी बच्ची आई जिसके शरीर पर वस्त्र के रूप में वही हाथों के वस्त्र टंगा हुआ था, हाथ में खप्पर था और वो आई और देखा और देखते हुए एकदम रामेश्वर की तरफ दिखी। क्या कह रहा है माँ इस बच्चे के लिए तुझे प्रसाद खा ले वो भक्ति के साथ यहाँ खाना खाने के लिए यह रोज भक्ति करेगा तेरी। ये बात जैसे ही रामेश्वर जी ने कही माता काली ने रामकृष्ण परमहंस की तरफ एक दृष्टि डाली। रामकृष्ण परमहंस जैसे ही काली को देखे मूर्छित हो गए और नीचे गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में देखते क्या है कि काली का सारा प्रसाद उनसे खत्म हो गया। फिर रामेश्वर जी ने उनके ऊपर पानी की छींटे डालकर उठाए, बेटा क्या हुआ, मुझे काली माँ आई थी खाना खाई सब खा गई, अरे माता को तो रोज इतना खाना देना चाहिए, मैं तो थोड़ा कटोरी में ही लेता हूँ ये गलत है। माँ रानी के पास रानी माँ के पास गए और बोले रानी माँ माँ काली बहुत खाना खाती है और तू तो एक कटोरी में मुझे फल देते क्या दीवानी तरह से बातें करता है, जितना देना है उतना ही ले देते उतनी बड़ी खानी। उनको नाराजगी लगी माँ खाना ज्यादा खाती है और ये कम देने की बात करती है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं। नहीं माँ मैंने देखा है माँ काली बहुत खाना खाती है और उनको देना जरूरी है, अब थोड़ा सा मेरे लिए दे देना क्या गया इतना सब आपके पास है, ऐसा करो आप मेरा खाना माँ का खाना और दोनों तीनों का सबके मिलाकर एक बार दे दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ खा गई तो मेरा पेट भरेगा। उस बच्चों के उस रामकृष्ण परमहंस की उस बात को देखकर माँ रानी की आंखों में आंसू आए, बोला तू कितना खाना चाहता है उतना खाने कल से पेट दिया जाएगा, अपने सेवकों से कहा कि जो पूछता है उसे देना। तब तक अब तो आपको पता है अच्छी जगह बुराई होती है, गुलाब का फूल हो तो कांटा होता है, कमल का फूल हो तो कीचड़ होता है। रामकृष्ण परमहंस के एक मामा थे बोले ये भोला है यहाँ और रानी माँ तो देती है, उन्होंने उस दिन से वहां ठेका लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस को कहा अरे पूजा तू कर मिठाई मेरी, यहाँ चढ़ावा आएगा मेरा तू काम कर, ऐसा करने लगे। एक दो दिन उन्होंने देखा, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मामा तुम ये क्या करते हो, क्या ये माता काली का है तुम इसे उठा ले रहे हो, तो तू चुप बैठ जा तेरा तू काम कर। सब लोग रामकृष्ण परमहंस को देखकर खुश हो जाते थे कि उन्हें अच्छी पूजा करी, लेकिन जब से ये मामा आया उसने ये सारे कार्य आरंभ कर दिए तो उनके ऊपर कंप्लेंट रानी माँ के पास चली गई कि ये रोज पैसे वसूल करता है, ये रोज इसकी यहाँ की मिठाई खाता है। माँ रानी माँ गुस्से से आई और कहा रामकृष्ण ने तुझे अच्छा बच्चा समझा था तू ये क्या कर रहा है रोज सारे नहीं ये खाना खा लेता है यहाँ का, कितनी बार बोला अगले इससे ऐसा हुआ तो तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, ऐसा मैंने कहा। रामकृष्ण हवा करेंगे मैं नहीं खाना खाता हूँ मामा करता है मैं गाली खाऊ।
तो मामा अपने अभी माँ ने कहा अरे भाई साहब कहते हैं मुझे दो गाली खाने से कुछ नहीं होता, चल अपने ये सब लेके इसके लिए उठा के यहाँ से चले जाएंगे, तुझे क्या करना है मेरी बात सुन। रामकृष्ण परमहंस को ये बात अच्छी नहीं लगी, एक कार्यक्रम चलता रहा। और दूसरी बात, जब माता के पास ये कंप्लेंट गया तो रानी माँ ने आकर कहा रामकृष्ण मैं तुझे कहती हूँ तेरे ऊपर बहुत सारी निंदाएं आई है तो यहाँ से चला जा। रामकृष्ण परमहंस की आंखों में अभी आंसू बह रहे थे, इतने आंसू की वो रोक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि माता का मंदिर दो रंगे रहे, ऐसा 50 बार हुआ और वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि सुबह 6 बज गए हैं 7 बज गए, रामकृष्ण समाधिस्थ थे, रामेश्वर जी ने उनको दे दिया और रामेश्वर उनके पास बैठे हुए थे। रामेश्वर हुए हुआ यहाँ ये चमत्कार कि जब मंदिर में आए दूसरे पुजारी और रानी माँ, आज रामकृष्ण परमहंस नहीं, रामकृष्ण नहीं है, चलो पूजा करने के लिए तैयारी करो, तो दरवाजा किवाड़ बंद हो गया जो कितना करो खुलता नहीं, दरवाजा बंद। सभी लोगों ने आगा माँ क्या हो गया, माता काली का दरवाजा बंद हो गया है, वो खुल नहीं रहा है। माता रानी आई, दरवाजा तोड़ दो, उन्होंने कहा दरवाजा तोड़ दो, शायद रामकृष्ण पीछे बैठा हुआ है या कोई कारीगरी करके गया है, इस दरवाजे को तोड़ दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो अंदर से आवाज आई, रानी माँ अगर दरवाजा तोड़ती है तो तेरा सारा महल तोड़ दूंगी, इस बात को याद रखना। एकदम महारानी चकाचौंध से आश्चर्य कहता रही, माँ मेरी क्या गलती हो गई, और माँ ने झुककर साष्टांग नमस्कार किया, माँ बोलो मैंने क्या गलती की, मेरे बच्चे को तूने यहाँ जिसको निकाला है वो मेरा प्रिय पात्र है, आगे आने वाले इस रामकृष्ण मठ के नाम से इस काली माँ के मंदिर सारे विश्व में देने वाले उसको तू यहाँ से निकाल देती है, ऐसा तेरा कार्य हुआ है, क्या उसको ढूंढ कर ले क्या वो जहां भी कहीं भी गया है। इस आवाज को जब ने सुनी महारानी ने अपने सारे लोगों को भेज दिया और कहा कि रामकृष्ण परमहंस कहाँ, तब उन्हें पता चला कि वो रामेश्वर जी के आश्रम में बैठे हुए हैं। सभी लोग आए और रामकृष्ण जी को बोले कि चलो माँ बुला रही है, रानी माँ बुला रही। रामकृष्ण ये कह रहे थे मैंने चोरी नहीं की, मैंने धोखा नहीं किया, वो कहते कि रानी माँ के लिए तुम नहीं बुला रही। और जब गए तो रानी माँ ने जैसे ही रामकृष्ण परमहंस को देखा साष्टांग नमस्कार करते हुए कहा कि बेटा मेरी गलती हो गई, तेरे और काली के बीच से आज से मेरे वंशज या मेरे कोई भी लोग नहीं आएंगे, तो काली की पूजा तेरे जीवन के अंतिम क्षण तक करते। जब ये बात रामकृष्ण परमहंस से सुने उनके आनंद आश्रु आए और रामकृष्ण परमहंस केवल दरवाजे को ऐसा हाथ लगाया दरवाजा खुल गया और जैसे कहा कि माता मुस्कुरा रही थी, रामकृष्ण परमहंस कल से भूखी हूँ खाना क्यों नहीं खिलाता, और माँ तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं अभी फल ला रहा हूँ, और फल ला के रखे, जैसा ही फल ले जा रहे थे माँ मामा भूल गया क्या मुझे तुझे स्नान ही डाला, बिना स्नान खाए किए तो खाना खाएगी, अरे स्नान बाद में पहले भूख लगी। यह दृश्य जब रानी माँ ने देखा तो कहा कि आज से जीवन में यह मठ या यह मंदिर केवल तेरे नाम से जाना जाएगा, इस रानी स्थिति का मंदिर नहीं कहलाएगा, रानी माँ का मंदिर नहीं कहलाएगा, ये केवल रामकृष्ण परमहंस से का मंदिर कहलाया जाएगा। ऐसे इस मंत्र में सिद्धाश्रम के योगी जो काली के साधक थे, मैं बहुत सारे काली के साधकों को एक बात कहता हूँ, माँ काली मांस को मदिरा को लेने वाली नहीं है, ये केवल अघोरियों की अघोरियों का कृत्य है जो ये करते हुए हमारे को या माँ काली को बदनाम, जब माँ कहते हो हमारे दशमहावीर गांव में काल की काली कही जाएगी। आपको पता नहीं इससे पहले भी मैंने बताया, एक बार मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि माँ काली को सब लोग मदिरा चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, थप्पड़ चढ़ाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं, नीचे डाले नहीं, ये सब क्या है, और गुरु जी को पूछने का धैर्य नहीं हुआ, तब नया नया मिला था, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखकर रोज गुरु जी से ये प्रार्थना करते सोता था कि क्या गुरु जी हमारे पिता सब ऐसे स्मशान के होता है, मांस खाने वाले हैं, बच्चों छोटे बच्चों के कुंडल पहनते हैं, हड्डियों की माला डालते हैं, ये सारी चीजें ऐसी होती है, तो माँ काली ऐसी ही होती है क्या, हम ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो थोड़ी देर तो अभी सुनने के लिए रह गया क्या माँ, तूने तो दो हाथ उठा दिए, अभी तूने कह दिया कि बच्चों को सुधार नहीं सकती इसलिए मेरा जीना ठीक नहीं है, नहीं तो कल सुबह तक रुक जाओ, उन्होंने माता ने कहा रुक कर क्या करूंगा, उनको तो लगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह हुई ही नहीं। देखते क्या है 6 बज गए लेकिन सारा संसार अंधेरा दिख रहा है, सारे संसार में पूरी काली घटाएं छाई हुई, इतना जोर अंधकार इतनी जोर से बिजली कड़की कि सारे लोग एकदम धर से कांप गए। देखते क्या है कि एक विशाल आकार काला अपने जीभ बाहर निकाली हुई, हाथ में नरमंड वाला ली हुई, हाथ में रक्त का खप्पर ली हुई, स्मशान से
जोर से चिल्लाते हुए आ रही है, जिसको देखा भगवान शंकर भी डर गए, ब्रह्मा भी डर गए, विष्णु भी डर गए, मृगन महर्षि सब तक कांपने लगे कि ये कौन राक्षसी मेरे सामने आ रही है, क्यों आ रही है, क्या बात है, तो कौन है, क्यों आ रही है, जोर से चिल्लाते पूछ रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी लोग देखकर उसने कहा, हे मृकंड, मैं तेरी आराध्य देवा दुर्गा और मैंने काली का रूप धारण किया है। जब मुहूर्त में सब असंभव कार्य होता है तो उन दुखों को लेने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। तेरे दो पुत्रों के जितने भी दुष्ट गुण हैं वो मैंने मेरे लिए ले लिए। आज तेरे पुत्रों को तो नीचे देख, देखती क्या है, मृकंड महर्षि देखते हैं कि दोनों पुत्र साष्टांग नमस्कार करते हुए अपने पिता के चरणों में लेटे हुए रो रहे हैं। और पिताजी हमारे से बहुत गुणास्पद कार्य हुआ, आज तक हमारी रक्षा करो। उनके लिए आश्चर्यजनक बात थी, उन्होंने आश्चर्य के साथ देखे थे, मेरे पुत्र साष्टांग नमस्कार करे और हमको जो पानी, आज तक उनको देखे उनको देखा नहीं। और माँ काली ने कहा, देख तेरे पुत्रों में जो दुर्गुण था, जो दुष्टता थी वो मैंने ली, उसका मदिरापान मैंने लिया, उसका मांस खाने का दुर्गुण मैंने लिया, उसका स्मशान में रहने का दुर्गुण लिया, तो मैं वो काली हूँ जो दुर्मुहूर्त में पैदा होता है, जिसका काल, जिसके समय का काल ठीक नहीं होता, ऐसे दुष्ट बच्चों का की दुष्टता या दुष्टों की दुष्टता लेने के लिए मैंने अवतार लिया, इसलिए इस रक्त को मैंने लिया है। यह बात परपूज्य सद्गुरुदेव जी अपने शिष्यों को मेरे सपने में बता रहे थे, तब मेरे आंखों में भी आंसू आए, मेरी काली का इस भारत में क्या अवतार बना गया है जिसको मांस देते। मेरी काली मदिरा पीने वाले, मांस खाने वाले, दुष्टता करने वाले, अगर उनके घर में काली की उपासना होती है और प्रार्थना करते हैं तो माँ उसकी दुष्टता लेकर कुछ घर को शुद्ध करने वाली काली माँ फैलाई गई। ऐसी माँ को समर्पण करना चाहिए तो हमारा, हमारी वो नशा, वो मदिरा जो हम जिसमें अपने इस संसार को छोड़कर माया मोह में पड़े हुए हैं, उस नशा को नहीं देना है। मांस के रूप में हमारे शरीर की चर्बी को अर्पण करना है तपस्या के माध्यम से, तब माँ काली अपनी दुष्टता को निकालने वाली। अगर आपकी कुंडली कोई हमारे शिशु महाराज को ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी ज्योतिष के कुंडली में ये खराब है, तुम दुष्ट है, तुम्हारे घर कार्य नहीं हो रहा है, तुम वही है, वो है, ऐसा अगर कहते हैं, उसको केवल आप कहो कि काली उपासना करो, उसकी कुंडली पलट जाएगी। यही कारण हुआ था पुलस्त्य का पौत्र रावण बहुत ही दुष्ट था, सब लोग जानते हैं, लेकिन पुलस्त्य से उन्होंने जब शिव जी से मांगा था, हे महाकाल, मैं तुमसे यह मांगता हूं कि महाब्रह्मा के विष्णु महालक्ष्मी ने शाप दिया है कि ब्राह्मण दरिद्री होगा, लेकिन मैं पुलस्त्य का मैं जो सबसे पोता हूं, मैं दरिद्रता का जीवन नहीं जीना चाहता। तू अगर महाकाल है, काल को बदलने की तेरी शक्ति है, तो मेरे भाग्य को बदल। मैं स्वर्ण मंदिर में रहना चाहता हूं, मैं स्वर्ण के थाली में खाना चाहता हूं, मैं पूर्ण भाग्य सौभाग्य के साथ रहना चाहता हूं, वो सौभाग्य मुझे चाहिए, ऐसी कोई साधना तेरे पास है तो मुझे दे। तब महाकाल घर शिवजी ने उन्हें महाकाली साधना दी। आपको पता होगा कि रावण जिस दिन राम के साथ युद्ध कर रहा था, अपनी काली के पास होम करने के लिए जा रहा था, और हनुमान जी ने उस काली के होम के लिए विघ्न निर्माण किया और काली को कहा कि एक अच्छे आदमी को तुम मारना चाहते हैं काली, यह होम को मैं यहाँ रोक रहा हूं, और उन्हें सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। दूसरे दिन राम ने रावण को मारा था। यह काली आज भी शांभवी के नाम से श्रीलंका में है और वो शक्तिपीठ कहलाया जाता है जिसको रावण ने स्थापना की। तो आज हम जिस काली के बारे में कह रहा हूं, हमारे घर की, हमारे शरीर की, या हमारे जन्म कुंडली में कोई दुष्टता, दुष्ट भरे ग्रह है, अभाग्य दुर्भाग्य रूपी ग्रह है हमारे घर में, हमारे बच्चों के, तो जिसने काली साधना की उसकी दुष्टता सब समाप्त हो जाएगी, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए काली साधना करनी चाहिए। काली का मुहूर्त, काल को जीत करने वाला काल यही मुहूर्त काव्य है। मैं कल महाकाल भैरव जी से आपको वर्तमान, भविष्य और अपने जन्म पूरे जन्म की ज्ञान की बात कर रहा था, और काली के बारे में ये कह रहा हूं कि काली की साधना करने वाला अपने जीवन की सारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला, चाहे जन्म कुंडली में कैसे विग्रह हो, काल सर्प दोष हो या मांगलिक हो, लेकिन जिसने प्रसन्नता के साथ काली की साधना की उसका भाग्य जरूर बदलता है और सौभाग्य में बदल जाता है। ऐसी महाकाली साधना का यह मंत्र सिद्धाश्रम में भी दिया जाता है। आज हमें बाहर काली, दक्षिण काली का मंत्र नवरात्र में किया जाए तो 1,25,000 मंत्र जब करना पड़ता है और पूर्ण निष्ठा के साथ, लेकिन यह जो मंत्र है पंचमुंडी आसन या नौमुंडी आसन पर गुरु